बाबा रामदेव और IMA के डॉक्टरों के बीच एलोपैथी और आयुर्वेद उपचार को लेकर चल रही लड़ाई में लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े पुत्र और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर बाबा रामदेव पर निशाना साधा है, लोगों को इनसे सतर्क रहने की सलाह दी है। आशंका जताई है कि बाबा रामदेव देश को असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि बाबा हमारे देश पर अलग ही मुद्दा थोपना चाहते हैं, फिर सतर्क करते हुए बगैर PM मोदी का नाम लिए नरेंद्र मोदी को फकीर कहा है। आगे कहा कि याद रहे देशवासियों, ये बाबा उसी फकीर गैंग का सरगना है। लालू यादव के परिवार से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के अलावा सिंगापुर में रहने वाली पुत्री रोहिणी आचार्य ट्विटर पर काफी सक्रिय रहती हैं। वे ट्विटर पर ही राजनीतिक लड़ाइयां लड़ती हैं। 24 मई को रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें फकीर और सत्ता का भूखा भेड़िया बताया था। उन्होंने कहा था कि बनकर फकीरा जो आया था देश बचाने के नारों में, वो सत्ता का भूखा भेड़िया निकला। वहीं जदयू नेता व सूचना व जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने लालू परिवार के ट्वीट की संख्या का हवाला देते हुए उन्हें ट्विटर परिवार बता डाला। उन्होंने तारीख और लालू परिवार के ट्वीट की संख्या के साथ बताया कि एक ही दिन 18 मई को लालू परिवार ने 44 ट्वीट कर डाले। 17 अप्रैल से 20 मई यानी 33 दिन में 906 ट्वीट किया है। आगे तंज कसा कि इन्हें बिहार के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, केवल ट्वीट ट्वीट खेलकर लोगों को गुमराह करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आप तक सबसे पहले पहुंचे।